गुटरगू की है कि मैं इससे ज्यादा गुटरगू नहीं सुन सकता। तुम लोगों ने प्रेम रोग की अंतिम सीमा को छू लिया है, जहां ना दुआ काम करती है और ना दवा काम करती है। फिर भी हालात से निपटने के लिए तुम्हें चंद बातें समझाना बहुत जरूरी है। क्या नाम है तुम्हारा? जी दिलीप। दिलीप बाबू जरा इधर आइए। एक्सक्यूज मी, जरा इधर आइए। हाँ दिलीप बाबू, राधा को कोई रानी महारानी मत समझना। दरअसल वो एक जिद्दी, अपनी मनमानी करने वाली, आजाद ख्याल की लड़की है, और उसकी तुमसे शादी करने की जिद में उसके डैडी ने उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है। मतलब अब ये कि एक यतीम, बेसहारा और कंगाल लड़की में और राधा में कोई फर्क नहीं है। देखो जो मेरा फर्ज था मैंने कह दिया, बाकी कल सुबह शादी का मुहूर्त है, तुम्हें रजिस्ट्रार के ऑफिस में आना है। वैसे तुम्हें जो कुछ कहना है अभी कह दो, क्योंकि सात फेरों के बाद आदमी जरा दूसरे फेरों में पड़ जाता है, फिर जरा बाहर निकलना है। सर मैं कल सुबह रजिस्ट्रार ऑफिस जरूर आऊंगा। झुंझुन वाला साहब, लड़का तो अभी तक आया नहीं है, मुहूर्त का समय तो खत्म हो रहा है। मुहूर्त का समय मायने नहीं रखता, मायने रखता है लड़के का आना। अंकल कहीं रास्ते में कुछ बेकार बातों से अपने दिल को मत बहलाओ राधा, समझी? यहाँ पर झुंझुन वाला साहब कौन है? हाँ जी मैं हूँ। दिलीप साहब ने ही लेटर भेजा। दिलीप साहब मैं एक अनाथ, यतीम और गरीब लड़की से शादी करना नहीं चाहता। गुड बाय दिलीप।